सो हे गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्पेक्ट टूल का यूज करके अलग अलग वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, उनके डॉम में आप कैसे चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप उन टूल्स का यूज करके आप अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि कोई CSS अप्लाई करके, या फिर अगर आपको डिबग करना है अपनी वेबसाइट को तो आप उस टूल की मदद से आप डिबग भी कर सकते हो। HTTP रिक्वेस्ट कैसे सेंड किए जाते हैं, HTTP रिक्वेस्ट कैसे रिसीव होते हैं, क्या क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो वैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये गूगल इंस्पेक्ट टूल है क्या एक्चुअली। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लो, ठीक है, अपना ब्राउजर गूगल क्रोम ओपन कर लो। यहाँ पे कोई वेबसाइट आप ओपन कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ओपन करता हूँ google.com, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे इंस्पेक्ट टूल, कैसे ओपन करोगे, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और जो भी बंदा वेब डेवलपमेंट कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है, उसको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए बिफोर ही जंप इन टू द वेब डेवलपमेंट टूल, ओके। तो सबसे पहले आप इंस्पेक्ट टूल को ओपन कैसे करोगे, तो किसी वेब पेज पे जाओ और यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ना, तो राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है इंस्पेक्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। या तो आप ऐसे जा सकते हो या तो इसका एक शॉर्टकट होता है, आप शॉर्टकट का क्लिक करके भी जा सकते हो। देखो Ctrl+Shift+I, देखा इंस्पेक्ट टूल ओपन हो गया। अभी देखो इस राइट साइड में जो भी आप ये ओपन होके आ रहा है, ये पूरा आपका इंस्पेक्ट टूल है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स एड ऑन है, ठीक है। तो एक एक पार्ट इसका हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये देखो सबसे पहले आपको जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका प्योर HTML है, देखा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका HTML का पूरा कोड है और जिसके अंदर आपने हार्ड कोडेड जो कोड किया होगा अपनी वेबसाइट का, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। आपने स्क्रिप्ट टैग को कैसे यूज किया है, हेड टैग में क्या क्या है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चाहो तो अपने जो लाइव आपका जो प्रोडक्ट चल रहा है लेफ्ट साइड में, जो आपका पेज ओपन हुआ हुआ है गूगल का, उसको आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई भी आप चेंजेस चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक देखो मैं आपको जस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो को मैं कुछ चेंज करता हूँ। लाइक देखो यहाँ पे गूगल का टाइटल टैग में इसको चेंज कर देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखो ये टैग है ना, तो आप इस पर देखो टाइटल है, आपको पता होगा हेड टैग में होता है टाइटल टैग, इसको आप चेंज करोगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सैवेज आरुष, ठीक है, एंटर किया, देखा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, तो देखा ये भी आप कर सकते हो। फिर आप एक एक जो भी आपका टैग है आप सबको चेंज कर सकते हो चाहो, ठीक है, इसकी मदद से। तो ये तो हो गया आपका HTML बॉडी। अब देखिए राइट साइड में जो आपका ये पैनल है, ये आपका CSS है, टोटल स्टाइल। आपको पता होगा, आपने CSS के बारे में थोड़ी बहुत पता होगा तो आप जानते होंगे कि आपका जो होल पेज होता है वो कुछ 3-4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला मार्जिन, दूसरा बॉर्डर, तीसरा पैडिंग, फिर बस पैडिंग ही होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर मुझे याद है तो उसको शायद बॉक्स साइजिंग बोलते हैं HTML में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बॉक्स साइजिंग में, बॉक्स मॉडल में ये सारे ये होते हैं पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, सारे पेजेस इसी को अपना बना के वो करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में आपका क्या है, CSS पैनल है, जिसके अंदर CSS सारे शो करते हैं आपके पेज के। अब देखो ये तो हो गया CSS हो गया, फिर यहाँ कंप्यूटेड दिया हुआ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई हैं, लेआउट दिया हुआ है, हर जो भी टैग है टैग के साथ क्लासेस दिए हुए हैं, इवेंट लिसनर दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से लिसनर्स यूज हुए हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज किए हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो ऊपर कुछ यहाँ पे टूल दिए हुए हैं, ये सिलेक्टर टूल है, इसकी हेल्प से आप कोई भी टैग को चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पूरे कोड में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कोड ये बटन का है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना, ये ब्लू, देखो ब्लू कलर का हो गया। यहाँ पे जाने के बाद मैं अगर बटन पे ले जाऊंगा ना और इस पर क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये इस वाले पैनल में हाईलाइटेड हो गया ये वाला टैग, देखा। अब मैं इसके अंदर चाहूँ तो कुछ चेंज कर सकता हूँ, लाइक कि देखो यहाँ वैल्यू दिया है गूगल सर्च, मैं यहाँ कहूँगा गूगल सर्च, ठीक है, तो देखो गूगल सर्च हो गया। आप ऐसे ही चेंजेस कर सकते हो, इसमें CSS में भी आप इसे यहाँ पे स्टाइल टैग आप यूज कर सकते हो, और जो भी चाहो, मतलब जितने हद तक आप चेंजेस कर सकते हो कर सकते हो। लेकिन याद रखना ये जितने भी चेंजेस है लाइव नहीं होती, जस्ट आपके फ्रंट एंड में चेंजेस हो रहे हैं, बैक एंड, ये कोड तो सारा बैक एंड जा रहा है ना, बैक एंड में कोई चेंजेस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप इसमें कुछ चेंज कर दोगे तो लाइव हो जाएगा, दिस इज चाइल्डिश थिंग, ओके। तो अब देखो मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखो इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मेरे पास CSS जो भी यूज हुए हैं, देखो यहाँ पे आ गए,
देखा बैकग्राउंड कलर इसमें ब्लैक यूज हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके रेड कर सकता हूँ। देखा अब बटन रेड कलर में है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं फंड चेंज कर देता हूँ, लाइक कोई भी कर लो, कर्सिव। देखा वो अब कर्सिव हो गया, फूगल सर्च, यहाँ देखो फूगल सर्च, आई एम फीलिंग लकी, तो ये कर्सिव हो गया। ये तो हो गया एलिमेंट वाला टैग, ठीक है। अब दूसरा हमारा मोस्ट पॉपुलर जो यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, सभी लोग यूज करते हैं, ये है कॉन्सोल टूल, जिसकी अब कोई भी वेबसाइट का होती है जब वो रन करती है, समझना ठीक है ना, कोई वेबसाइट जब रन करती है तो कुछ एरर वगैरह होता है, तो कॉन्सोल में क्या होता है, उस एरर को हम लोग डेवलपर्स होते हैं शो करा के चेक करते हैं कि भाई रिक्वेस्ट जो HTTP रिक्वेस्ट जो सेंड हो रही है, जो रिसीव हो रही है, उससे रिलेटेड अगर कुछ एरर आते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही एक टूल है जो शो करता है, ठीक है ना। इसमें आप मतलब शो करा सकते हो कि क्या आप जो भी आउटपुट या फिर जो भी इनपुट आ रहे हैं इसमें आ तो रहे हैं ना, तो कंसोल की हेल्प से आप करा सकते हो। अगर जावास्क्रिप्ट कोड करते हो गए तो आपने देखा होगा लोग टाइप करते होंगे कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल लॉग में जो भी कुछ टाइप होता हुआ वो आके इसमें प्रिंट होता है, ठीक है। कंसोल लॉग में कुछ भी टाइप होता है आके इसी में प्रिंट होता है, तो ये होता है कंसोल लॉग का टूल। इसमें आप जावास्क्रिप्ट के सारे टैग यूज कर सकते हो, लाइक अगर मैं करूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये कर दूं कुछ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इनर HTML इक्वल्स टू, देखो सब गायब। तो जावास्क्रिप्ट से आप ये सब भी कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली हुआ नहीं है, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो फिर से नॉर्मल हो जाएगा सब चीज। देखो तो ये है कंसोल लॉग टूल, और ये दिया यहाँ पे क्लियर कंसोल, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ पे दे दिए हैं, तो क्लियर कैसे करोगे, इस पे करोगे क्लियर हो जाएगा। देखा और भी बहुत सारे हैं, वो आपको सब चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। बाकी ये इश्यूज हैं, इस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगा तो देखिए ये ऑडिटिंग में दिखा रहा है, ये काफ़ी डीप है, आपको ये सब पता ना भी हो तब भी काम चल जाएगा। फिर आते हैं हमारा सोर्सेस वाले टूल पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉर्मली यूज नहीं होता है वेब डेवलपमेंट में। अगर आप नॉर्मली करते होगे तो नॉर्मली वेब डेवलपमेंट अगर करते होगे तो ये यूज नहीं होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी फाइल्स होते हैं जो सर्वर पे हमारे हैं, इसमें सारे कॉम्पैक्ट कंप्रेस्ड फाइल हैं, जो कि ब्राउजर क्या करता है, ये ब्राउजर इसको सेव किया रहता है अपने पास आपके आपके वेबसाइट को रन करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ इमेजेस वगैरह दिए हुए हैं, सर्च बॉक्स के इमेजेस, ये सारे शो होते हैं, आप देख पा रहे हो नहीं, ये सारे इमेजेस शो होते हैं, तो ये होता है। इसमें सारे जो रिसोर्सेज होते हैं आपकी वेबसाइट पे आके इसी में सेव होते हैं, देखो www.google.com, ठीक है, इसी में सेव होती है। और भी बहुत सारे, अगर आप CDN यूज किए होंगे तो CDN सर्वर जो भी है ये भी यहीं पे शो होते हैं, apis.google.com, देखा, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब डेवलपर्स के लिए, वेब डेवलपिंग के लिए, वेब डिबगिंग के लिए, वो है हमारा नेटवर्क, ठीक है। इसमें HTTP रिक्वेस्ट कैसे होता है वो इसमें दिखाता है, मतलब गूगल जब लोड होता है ना तो क्या क्या रिक्वेस्ट वो करता है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, देखा, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, google.com रिक्वेस्ट गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे दिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपके ब्राउजर ने ये रिक्वेस्ट किया होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड क्या होगा, गेट, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, अपडेट, तो गेट रिक्वेस्ट हम लोग ने किया। फिर स्टेटस कोड 200 आया, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। अब रिमोट एड्रेस से इस वेबसाइट की IP एड्रेस मिल गई, ठीक है। और रेफरल पॉलिसी क्या है, ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से ये रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, उसको छोड़ दो। फिर रिस्पॉन्स एड्रेस देखो, उधर से रिस्पॉन्स हमारे पास क्या क्या आया हुआ है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स में कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ, लाइक अगर नीचे देखा जाए तो ये देखो कैश कंट्रोल है, मैक्स है 0। इस पर मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, अभी नहीं, जिसमें मैं आपको एक एक टैग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कुकीज़ वगैरह हैं कुछ, और देखो इसमें स्कीमा क्या क्या, HTTPS स्कीम यूज हुई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जाओगे तो HTTPS यूज हुई है, डबल क्लिक करोगे देखो, देखा, तो ये है। फिर नीचे जाओगे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक फॉर बिगिनर पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। प्रीव्यू करोगे, देखो इस जो भी आपको रिस्पॉन्स में मिला, रिस्पॉन्स में आपको ये सब मिला है, ब्राउजर ने क्या किया यहाँ पे शो कर दिया, बस यही मतलब इसका, इतना ही समझो। और देखो जब कोई ब्राउजर या फिर कोई वेबसाइट जब लोड होती है, सिर्फ उस वेबसाइट ही लोड होती है, सर्वर आपको बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स करता है, देखो इमेजेस भी रिस्पॉन्स किया यहाँ पे कि भाई किसका पेज इस वक्त लॉग इन है, सर्वर ने वो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिया, तो हर एक चीज़ देखो वो रिस्पॉन्स में देता है।
इमेज भी दिया जो यहाँ पे इंसर्टेड है। देखो इस कोड में आपको इमेज नहीं मिला है, इमेज आपको किसने मिला है, अलग रिसोर्स मिला है, रिसोर्स फाइल है वो, ठीक है। तो ये होता है HTTP रिस्पॉन्स, देखा। तो आप चाहो तो रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो डिबगिंग पर्पज के लिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे टूल दिए हुए हैं, लाइक अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग नेटवर्क एक्टिविटी। अब मैं रिलोड करूंगा तो देखो सारे रिक्वेस्ट रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रिकॉर्ड की का यूज, ठीक है ना। अब ये देखिए क्लियर, सारे रिक्वेस्ट आप क्लियर कर सकते हो। इसे फिल्टर करने के लिए दिया हुआ फिल्टर, आप चाहो तो फेच, आप अगर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उसको फेच कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के जितने भी रिक्वेस्ट है आप कोई फेच कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं ये सारे रिक्वेस्ट दिखा रहा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट चाहिए, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मैं आप बाद में बताऊंगा क्या होता है, अगर आप जानते हो तो ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा ना तो देखो जितने भी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट हुए हैं वो सब शो कर रहे हैं, जितने जावास्क्रिप्ट के रिक्वेस्ट हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक है। जितने ही सॉरी रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्सेज आएंगे, फिर CSS के जितने रिक्वेस्ट गए हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, इमेजेस के जितने भी रिस्पॉन्स आए हैं शो कर रहे हैं, ऐसे करके फिल्टर करोगे तो सारा शो करता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैंने भी कभी इसमें किया नहीं है लेकिन चलो आज कर ही लेते हैं। तो ये क्या करता है ना, किसी भी पेज की परफॉर्मेंस को लोड करता है। परफॉर्मेंस क्या होता है, SEO जब आप करते हो, SEO के बारे में आपको पता हो तो ये चेक करता है कि क्या आपका जो पेज है SEO के लिए रेडी है, या फिर SEO को देखकर गूगल क्या करता है आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। तो आपके पूरे चीज़ों का क्या करेगा, जज करेगा, आपके इमेजेस कंप्रेस्ड हैं कि नहीं है, आपके कोड अच्छे से लिखे हैं कि नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको ये टेस्ट करता है, ठीक है। तो इसको स्टॉप कर दो, अपने को नहीं करना है तो इसको स्टॉप में करना आप देखो, ठीक है ना, ये सब हटा देता हूँ, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर आते हैं मेमोरी में। अब आपको पता होगा जो हमारा जावास्क्रिप्ट, हमारा जो ये ब्राउजर रिटेन होता है वो सब C++ ऐसे लैंग्वेज से रिटेन होता है। अब जावा जो ब्राउजर होता है सारे कोड्स को क्या करता है, कहाँ रिटेन करता है, अपने मेमोरी में। इसका भी एक रिजर्व मेमोरी होता है जो रैम वगैरह आपको लेता है ना। अगर आप जाओ तो कंट्रोल शिफ्ट, अगर मैं एस्केप क्लिक करता हूँ तो अगर मैं यहाँ जाऊँ ना, देखा, तो देखो ये रैम ले रहा है 385 मेमोरी ऐसे ले रहा है। कहाँ ले रहा है ये, इसी के लिए ले रहा है कि आपके ब्राउजर आपके कैश डेटा को सेव कर रख सके, ठीक है ना। तो ये होता है। फिर आपका दूसरा आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, एक लोकल स्टोरेज दिया हुआ है, ये सेशंस होते हैं, हर एक ब्राउजर का अपना एक सेशन होता है। सेशन क्या होता है शॉर्ट में समझो, कोई वेब ब्राउजर जब ओपन होता है तो वो सेशन के साथ ओपन होता है जिसमें कुछ वो कोड क्या करता है आपके सिस्टम में स्टोर कर लेता है। जैसे कि आप अगर आप नेविगेट करो उसके ब्राउजर पे तो आपका डिटेल को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं दूसरे पेज में। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। फिर ये होता है लोकल स्टोरेज का काम, कुकीज़ वगैरह भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। ये देखो कुकीज़ के लिए है लोकल स्टोरेज, और ये आपका क्या है सेशंस के लिए, देखो। तो ये आपका कैश जितने भी डेटा होते हैं सब सेव होते हैं इधर ही, आपके फेच रिक्वेस्ट वगैरह सब यहीं सेव होते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट पे दोबारा अगर आप एंटर करते हो तो तुरंत लोड हो जाता है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे काम होते हैं। फिर बाद में आता है हमारा सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है ये भी आपको जानने की कोई जरूरी नहीं है। इसमें आपको बताता है कि आपका ब्राउजर कितना सेव है, SSL सेटिस्फाइड है कि नहीं है, HTTPS रिक्वेस्ट है कि नहीं है, ये सारे यहाँ पे शो करते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ पे सब इनकोडेड वगैरह है, ये जान के तुम लोग कुछ करोगे भी नहीं। तो इसको कट करते हैं। और भी देखो यहाँ पे लाइट हाउस दिया हुआ है, तो मैं जो SEO वाला बता रहा था वो एक्चुअली ये है, ठीक है ना। तो पीछे मैंने कुछ और बता दिया था। तो यहाँ पे अगर मुझे गूगल की परफॉर्मेंस चेक करनी है, गूगल क्या अच्छा है कि नहीं है, तो आप दोनों पे चेक कर सकते हो, डेस्कटॉप पे मोबाइल। तो मैं डेस्कटॉप पे चेक करता हूँ, एनालाइज पेज लोड। तो ये पूरे वेबसाइट को क्या करेगा, लोड करेगा और आपको बताएगा कि क्या गूगल का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, ठीक है ना। देखो अभी रिजल्ट हमारे सामने आएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ गाइस, ये वीडियो वेब डेवलपमेंट पर्पज के लिए है, बिगिनर रुकी लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि समझ में बहुत कम आएगा। लेकिन फिर भी मेरा ये सेशन रहेगा कि देखें, कुछ ये समझ में ना आए फिर भी देखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या बता रहा है, 90, एक्सेसिबिलिटी 81, बेस्ट प्रैक्टिसेस 92, SEO के लिए 82 है, 80 के ऊपर अगर होता है तो अच्छा ही होता है। फिर यहाँ पे पॉ दिखा रहा है, PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप। ये क्या होता है, जब आप वेबसाइट अगर मोबाइल पे ओपन करते हो तो उसको आप करते होगे ना ऐड टू द होम स्क्रीन, जब आप ऐड टू द होम स्क्रीन करते हो तो वो ऐप क्या होता है, आपके होम स्क्रीन मोबाइल पे चला जाता है, ठीक है ना। वो आपका ऐप होता है, उस वेबसाइट का बेसिकली ऑप्टिमाइज ऐप होता है।
तो गूगल क्या है उसके लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये ग्रीन होता यानी कि वो वेबसाइट क्या है रेडी है पॉ के लिए, प्रोग्रेसिव वेब ऐप के लिए। तो बस और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, देख लेते हैं रिकॉर्डिंग, आप अपने चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मुझे लग रहा है नया आया है, पहले नहीं था। फिर परफॉर्मेंस इनसाइट वगैरह देख सकते हो। सो गाइस ये था इंस्पेक्ट टूल। आप ऐसे मैंने गूगल का किया, आप जाओ यूट्यूब वगैरह का ऐसे सर्च करो, यूट्यूब का आप सर्च कर सकते हो। फिर आप फेसबुक का भी कर सकते हो, जो वेबसाइट आपको पसंद है उस वेबसाइट पर जाओ और ऐसे ही करो। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, टॉगल डिवाइस टूल बार। आप देखो इस पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट के ऐसे लेंथ को, रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हो कि वेबसाइट को, ठीक है, किसी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप जाके यहाँ से बहुत से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस हैं, उन पे जाके चेक कर सकते हो कि उनकी वेबसाइट उनकी डिवाइस में कैसे शो करेगा। तो आईफोन XR का देखते हैं, आईफोन XR में देखो ये ऐसे शो करेगा, ठीक है। फिर पिक्सल 5 में देख लेते हैं, सर्फेस प्रो 7 में देख लेते हैं, तो देखा ये ऐसे शो करेगा इस वेबसाइट को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपर्स के लिए जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे रिलेटेड और वीडियो आगे आने वाले हैं, तो अपने यार दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।